गम खाना सीखो। हर सासू को अपनी बहू की भी गम खा लेना चाहिए, उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था आपको, सासु होने का अहंकार। आहा, एक साधु भिक्षा मांग रहा था, ये बात बताया था ना, छूट गई कहानी में, सुना देता नहीं चूक जाऊंगा। साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा लेने गए। सासु घर में नहीं थी, बहू थी, बहू से भिक्षा मांगा। बहू ने कहा, बाबा थोड़ा रुको, मैं घर के अंदर से आती हूं। तो साधु ने सोचा घर के अंदर जा रही है, कुछ लेकर आएगी। घर के अंदर से जब आई 5 मिनट के बाद, तो उस बहू ने कहा, बाबा हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, जाओ बाबा यहां कुछ नहीं मिलेगा। तो साधु मुस्कराता हुआ चल देता है, हंसता हुआ। जो नहीं देता है ना, उसके लिए भी साधु हंस देता है, ठीक है। भिखारी भी हंस देता है जो नहीं देता है, जो देता है उसके लिए भिखारी मुस्कुरा देता है, ना देने वाले के लिए हंस देता है। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि जिसने दिया उसके लिए तूने मुस्कुरा दिया और जिसने नहीं दिया उसके लिए तूने हंस दिया, तो ये क्या बात। तो उसने कहा, मुस्कुरा इसलिए दिया देने वाले के लिए कि अगले जन्म में भी ये दाता बनकर पैदा होगा, बड़ा धनवान बनकर पैदा होगा। बोले, जिसने नहीं दिया तो हंसा क्यों? बोले, हंसी इसलिए आई, अगले जन्म में ये भी भिकमंगा बनेगा तो हमारे साथ में ही रहेगा ये, इसलिए हंसी आ गई। कि इस कंजूस को पता नहीं है कि ये धन दौलत क्या साथ में लेकर जाओगे। कितने लोग अपने कुटुंब के मोह में इतना पड़ जाते हैं कि 1 रुपया दान नहीं कर पाते, सब कमा कमा कर ढेर लगाते रहते हैं, बेटों के लिए और बेटों के बेटों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रख देते हैं। उनको पता है 7 पीढ़ी अंधे और कोढ़ी पैदा होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये 7 पीढ़ी के लिए धन मत रख, चाहे राजनीति करो चाहे कुछ करो, लेकिन इतना धन जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को अगर सुखी बनाना चाहते हो, सम्माननीय जिंदगी जीने की कला सिखाना चाहते हो और बेटे का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, बेटे को सुंदर संस्कार दे दीजिए, बेटे को ज्ञान दे दीजिए और बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिए और बेटे को जिंदगी में चरित्र से रहना सिखा दीजिए। आपका बेटा मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा, आपका बेटा महान बनकर के जिंदगी जिएगा। ये बेटा के लिए चुट्टा बन रहे थे, अब बेटा उस पैसे से शराब पी रहा है। एक मिनिस्टर मुझको मिले तो बोले, हमारे घर में सब ठीक है लेकिन बेटा नहीं ठीक है। तो हमने कहा, बेटा क्या करता है? नहीं बस ऐसे ही है सब मामला। तो हमने कहा, कमा के तो दे ही दिया है, मर जाओगे तो भी वो जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा। बोले, अरे बहुत दुर्गुणी है, तो धन इतना क्यों दे रहे उसको? बच्चों से मैं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे बेटी हो या बेटा हो, पोती हो या पोता हो, एक छोटा सा दान पात्र बनाइए, छोटा सा डब्बा गुल्लक बनाइए। और अगर कभी माँ बाप तुमको पैसा देते हैं, नानी नाना पैसा देते हैं, तो गुल्लक में बचत करके रखिए और 3-4 साल के बाद वो पैसा फोड़ कर निकालिए, जो भी निकलेगा 10-20 हजार
10-20 हजार बाप से कह दो और लगा दीजिए, और कह दो एक स्कूटी खरीद दूंगा। ये चाट पकौड़ी खा के घूम रहे आदत बिगाड़ रहे हो, उससे बेहतर है स्कूटी लेकर जाना। कार खरीदो, कार से स्कूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पैसे को बर्बाद मत करो। और ये भी निवेदन करूंगा, बच्चे को यदि आपने धन दिया है लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखाया, बच्चे को मकान दिया है लेकिन उस मकान में रहने की कला नहीं सिखाई है, और बच्चे को आपने सामान दिया है लेकिन सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग नहीं सिखाया है, और बच्चे को आपने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिया है आपने, तो याद रखना आपका बच्चा कभी सुखी नहीं होगा, बच्चा हमेशा दुखी रहेगा। बच्चा सुखी तभी होता है जब सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग सिखा दो उसको, ज्ञान दे दो बच्चे को, सत्संग से जोड़ दो। तो वो साधु हंसता हुआ चल देता है। सामने से उस घर की सासू आ रही थी। सासू ने पूछा, अरे साधु बाबा, अभी तो मेरे घर के सामने खड़े थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो मेरी बहू ने भिक्षा दिया कि नहीं दिया, क्या कहा? तो साधु ने कहा कि तुम्हारी बहू ने जवाब दिया कि बाबा, इस द्वार पर भिक्षा कभी नहीं मिलेगी, जाओ बाबा, टाइम पास मत करो। बोले फिर मैं हंसता हुआ चला आया। बोले हंसे क्यों? बोले इसलिए हंसा कि अगले जन्म में तुम्हारे घर में भी सब भिकमंगा होंगे, तो मैं मजबूरी में आ गया था तुम्हारे द्वार पर। किसी के द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, प्रेम से खिला देना उसको, प्रेम से बोल देना, मेहमान का सम्मान कर देना। और ये भी निवेदन करूंगा, हर रोज किसी के हम मेहमान बनने के लिए भी मत जाना, रोज रोज ससुराल भी मत जाना। एक दिन मेहमान मेहमान होता है, दो दिन मेहमान रहे तो मेहमान रहमान होता है, और फिर हर रोज मेहमान आ जाए तो मेहमान ना मेहमान है ना रहमान है, फिर वो मेहमान बेईमान होता है, बेईमान। दूसरे घर में भार बनते हो, वहां भीड़ बचाते हो, टाइम बर्बाद करते हो दूसरे का भी, खाम खाम वहां खड़े रहते रोज, किसी दोस्त के घर पे भी रोज मत चल जाए, लांछन लग जाएगा, कलंक का दाग लग जाएगा कि इसके घर पे ये क्यों आता है रोज, लोग संदेह करेंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम जैसा बेशर्म आदमी वहां खड़े हो रोज, क्यों खड़े हो, क्या जरूरत? आपका सम्मान आपके हाथों में है, आपकी चालों में है, आपकी बातों में, आपकी चरित्रों में है। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा? बिठा लोगे तो क्या होगा? सासू ने कहा तुम मेरे साथ आओ। सासू वापस ले गई उस साधु को। साधु को बड़ी आशा की किरण मिली, ये सासू है घर की मालिक है, अब वापस लेकर जा रही। बोले आओ। बहू ने कैसे मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, चलो। महात्मा प्रसन्न हो गया कि अब मिलेगा जरूर लग रहा। महात्मा आया, बैठा रहा द्वार पर, दो चार कुर्सी पड़ी थी, महात्मा कुर्सी बैठ गए, सासू अंदर गई। 10 मिनट के बाद लौट कर निकली। साधु ने सोचा कुछ लाएगी कुछ देगी, तो सासू ने क्या कहा, जाओ बाबा, जिंदगी भर तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो साधु ने कहा तो बुलाकर क्यों लाई, मैं तो चला ही गया था। बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई कि मेरी बहू ने मना किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। बहू कौन होती मना करने वाली? मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सासू हूं इसलिए मना करूंगी।
तो मैं इसलिए लाई थी कि तुमको मना करने के लिए लाई थी कि मैं मना कर रहा हूं। ये सासु होने का ऐसा अहंकार होता है कि मना भी करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे वही काम बहू ने कर दिया तो क्या बुरा हो गया। सासु होने का अभिमान भी छोड़ दो, कुछ नहीं है अभिमान में। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करो,